हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण का दूसरा प्रभाव हम देखें तो यह है आर्थिक प्रभाव। पहला प्रभाव हमने पढ़ लिया था राजनीतिक प्रभाव, किस प्रकार से वैश्वीकरण राजनीति को प्रभावित करता है ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। किस प्रकार से राज्य पर असर डालता है, किस प्रकार से कौन से कार्य होते हैं, सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव। यहाँ से सवाल पहला तो यही बनता है कि वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव स्पष्ट कीजिए, और फिर दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा वो ये बनेगा कि जिस मात्रा में वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ है दो देशों के मध्य, दो से ज्यादा देशों के मध्य, उतना मानव का आदान प्रदान नहीं हुआ, या जितना आवागमन वस्तुओं का हुआ है उतनी मात्रा में मानव का आवागमन नहीं हुआ, स्पष्ट कीजिए। ये सवाल आपको देखने को मिलता है अपनी मॉडल, अपनी किताब में तो कहीं ये है नहीं, मॉडल पेपर में देखने को मिलता है बहुत बार, ऐसा सवाल पूछने के चांसेस बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से दो सवाल बने। पहला सवाल तो ये कि वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव स्पष्ट कीजिए, और दूसरा सवाल ये कि जितनी मात्रा में विश्व धरातल पर वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ है, व्यापार जितना ज्यादा हुआ है, मानव का आवागमन उतनी मात्रा में नहीं हुआ, स्पष्ट कीजिए क्यों। तो ये दोनों सवालों के जवाब अपन देंगे। पहला सवाल तो हम वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव की बात हम करते हैं। तो पश्चिमी देशों ने बाजार ढूंढा। पहला तो ये हुआ कि जब वैश्वीकरण नहीं आया था तो अपने देश की सीमाओं में ही व्यापार होता था, अपनी देश की सीमाओं में ही सारे कार्य होते थे और इंडिपेंडेंट कार्य होते थे। हम चीन का उदाहरण लें तो चीन ने विदेशी मुद्रा बचाई। किसी भी देश का एक एग्जांपल हम लें तो व्यापार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा। और आज का सबसे पॉपुलर अगर कोई चीज है तो वो क्या है, डॉलर है। डॉलर में ही सब व्यापार करना चाहते हैं क्योंकि डॉलर एक प्रकार की स्थायी वैल्यूएबल मुद्रा है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हमने जापान से समझौता किया है कि यदि भारत की मुद्रा डूबेगी तो जापान बचाएगा, जापान की मुद्रा डूबेगी तो भारत बचाएगा। कोई भी देश व्यापार करने से पहले हिचकिचाता है, वो इसलिए हिचकिचाता है क्योंकि उसे डर लगता है कि जिस देश की मुद्रा मैं ले रहा हूँ उस देश की मुद्रा की वैल्यू बचेगी या नहीं, उस देश की मुद्रा आने वाले भविष्य में काम की रहेगी भी या नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो ये चाहता है कि मुझे ऐसी मुद्रा मिले, ऐसी विदेशी मुद्रा मिले जिसको मैं बाद में यूज कर सकूं, जिसका स्टोर मेरे आपातकाल में काम आ सके, या ऐसी मुद्रा मिले जो मेरे लिए 100% काम की हो, इस प्रकार की मुद्रा मुझे चाहिए। तो चीन ने व्यापार किया, विदेशी मुद्रा को ग्रहण किया, और ये विदेशी मुद्रा कब आने लगी उसके पास, जब वो विकसितता की तरफ जाने लग गया। शुरुआती दौर में हमने पढ़ा था कि भारत आजाद हुआ था 1947 में, श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, और 1949 में ये आजाद हुआ चीन। इन तीनों की लगभग लगभग एक साथ ही आजादी हुई, लेकिन इन श्रीलंका और भारत ने विदेशी व्यापार की तरफ आकर्षण बढ़ाया, लेकिन चीन ने अपने विदेशी व्यापार को बंद कर दिया। इसका फायदा क्या हुआ चीन को, कि चीन आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ गया। चीन ने कहा जो है जितना है उतने में ही काम चलाओ, इसी को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाओ, और चीन ने सारे रास्ते बाहरी व्यापार के बंद कर दिए। तो इसका फायदा भी चीन को मिला। धीरे धीरे चीन कुछ क्षेत्रों में डेवलप होने लग गया, और धीरे धीरे चीन ने जिन जिन क्षेत्रों में वो डेवलप हो गया उन उन क्षेत्रों को विदेशी व्यापार के लिए उसने खोल दिया। एक समय ऐसा आ गया कि चीन ने ये कहा कि अब हमसे आकर प्रतियोगिता आप कर सकते हो, हम दुनिया के किसी भी देश में जाकर प्रतियोगिता कर सकते हैं। जैसे उसका बैंकिंग सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, उसके बहुत सारे जैसे सड़क परिवहन में बहुत डेवलपमेंट उसने हासिल कर लिया, प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने में बहुत अच्छा उसने डेवलपमेंट हासिल कर लिया। ये सारी चीजें धीरे धीरे उसने आगे बढ़ाई, और वो बढ़ाता ही चला गया। यहाँ से हमें दो बातें निकल कर आई कि चीन ने जो व्यवस्थित चरणबद्ध तरीके से विकास किया उसका लाभ चीन को आगे जाकर
मिला। दूसरा, भारत आजाद कब हुआ? 47, श्रीलंका 48 और चीन 49वें। लेकिन तीनों के विकास में अंतर नजर आता है। तो आर्थिक वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा लाभ लिया किसने? चीन ने लिया। और चीन ने अपनी व्यवस्था किस तरीके से खोली? चरणबद्ध तरीके से खोली, स्टेप बाय स्टेप ओपन पॉलिसी, चरणबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था खोली। इससे क्या हुआ कि हम जिन जिन चीजों में बहुत ज्यादा समृद्ध हो गए, जिन जिन चीजों में हमारी पकड़ बहुत ज्यादा थी, उन चीजों में तो हम कंपटीशन करने लायक थे। लेकिन भारत ने यहाँ गलती कर दी, भारत ने पूरे रास्ते एक साथ खोले। इसका मुख्य कारण क्या हुआ? जो स्थानीय उद्योग थे वो इतने कैपेबल नहीं हुए, इतने सक्षम नहीं हुए कि बाहरी कंपनियों, विदेशी कंपनियों से हम मुकाबला कर सकें। इसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। यहाँ पर हमारे यहाँ भारतीय कंपनियाँ ना होकर विदेशी कंपनियाँ स्टेबल हो रही है। मेलबोर्ट है, अपने बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो विदेशी हैं, KFC है, दुनिया भर की कंपनियाँ हैं, लेकमी है, जो ब्रांड इंडिया के डेवलप नहीं हो पाए वो विदेशी आ जा रहे हैं। पेप्सी है, कोको कोला है, कोल्ड ड्रिंक्स में तो बड़े नाम सारे विदेशी ही हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को इसका नुकसान हुआ। और पश्चिमी देशों ने वैश्वीकरण के बाद सीधा लाभ उठाया कि जो विकासशील देश थे, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चाइना, इन सब ने अपना बाजार ढूंढना क्या कर दिया इन्होंने शुरू। तो वैश्वीकरण का सबसे बड़ा जो इफेक्ट यहाँ से आया वो क्या था? इन्होंने बाजार ढूंढना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। इसके बाद यदि हम देखें तो IMF, WTO विश्व में एक पॉलिसी को प्रभावित के रूप में किया। ऐसा हम देख सकते हैं कि IMF, WTO अपना कार्य निष्पक्ष रूप से करने की कोशिश करने लग गए वैश्वीकरण के बाद। क्यों? हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि ये सब अमेरिका से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्या थे? प्रभावित थे। जब वैश्वीकरण आने लगा तो इनको लगने लगा कि हमारी जो प्रासंगिकता है, हमारी जो उपयोगिता है, हमारी जो अवेलेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी और हम एक संस्था, अंतरराष्ट्रीय संस्था ना बनकर हम एक देश के अधीन हो जाएंगे। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं विश्व व्यापार के लिए, वैश्वीकरण के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। जैसे वर्तमान में WTO पर आरोप लग रहे हैं कि वो चाइना का सपोर्ट कर रहा है, कोरोना वायरस के समय निश्चित समय उसने अलर्ट नहीं किया, कोरोना वायरस को लेकर चाइना के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, या यूं कहें कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर चाइना की तरफ रख रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर WTO, IMF, विश्व बैंक जैसी जो नीतियां थी, पॉलिसी थी, संस्थाएं थी, इन्होंने कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर आर्थिक व्यवस्थाओं को डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या किया? प्रभावित किया, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक सकारात्मक रूप में आगे बढ़ने लगी। शक्तिशाली पूंजीवादियों का प्रभाव। अंतरराष्ट्रीय धरातल पर हमने पढ़ा था कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ वो था 39 से 45, ये सवाल आपको याद रखना है। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 और दूसरा कब से कब तक हुआ? 39 से 45, ये याद रखना है। बोर्ड में एक बार ये पूछा गया था, 1914 से 18 पहला विश्व युद्ध हुआ, आपको सिंगल लाइन का सवाल पूछ सकता है। वैसे ये सवाल हिस्ट्री का है लेकिन अपने सिलेबस से जुड़ा हुआ, इसलिए अपने को पता होना चाहिए। तो शक्तिशाली पूंजीवादियों का प्रभाव क्या रहा? यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रभाव वैश्वीकरण में रहा। इसके 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं। शीत युद्ध में शक्तिशाली देशों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी ओर लाने की कोशिश की। हम जानते हैं शीत युद्ध में दो विचारधाराओं का बोलबाला था, पहला पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। पहली विचारधारा कौन सी थी? पूंजीवादी। और दूसरी कौन सी थी? साम्यवादी। पहली कौन सी थी? पूंजीवादी और साम्यवादी। और पूरी दुनिया कितने भागों में बट गई? दो भागों में बट गई, पूंजीवाद और साम्यवाद में बट गई। साम्यवादी देश अपने सहयोगियों को आगे बढ़ा रहे थे, पूंजीवादी देश अपने सहयोगियों को आगे बढ़ा रहे थे। और पूरी दुनिया का माहौल ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया कितने भागों में बट जाएगी? दो भागों में बट जाएगी। जो कमजोर देश बचे, यहाँ भी कमजोर कुछ देश होंगे, यहाँ भी कमजोर कुछ देश होंगे, इनको मजबूर कर दिया गया इन शक्तिशाली महाशक्तियों के द्वारा।
कि आपको हमारी सैनिक सहायता, राजनीतिक आर्थिक सहायता तभी मिलेगी जब आप हमसे सहयोग करेंगे या आप हमारे अंदर शामिल हो जाएंगे। तो शक्तिशाली पूंजीपतियों ने बहुत जो है भयंकर प्रभाव दिखाया। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण यहाँ पर क्या रहा कि शक्तिशाली जो महा शक्तिशाली देश बचे, इन्होंने पहले तो सिर्फ लाभ कमाया, लाभ के बाद में इन्होंने फिर और लाभ, जैसे 10 रुपए किसी को दिए, उससे 2 रुपए आए, तो इन्होंने 2 रुपए लिए नहीं, उसको भी क्या लगा दिया, ब्याज पर लगा दिया। अब कमाएंगे कितने, 12। तो जो पहले 2+ आ रहा था वो कितना आएगा, 3+ होकर आएगा। इन्होंने चक्रवर्ती ब्याज से कमाना शुरू कर दिया। विनिवेश, पहला निवेश और उसको क्या कर दिया, दोबारा निवेश इन्होंने करना शुरू किया। इसका प्रभाव क्या हुआ, शक्तिशालियों ने पैसे के दम पर, अर्थव्यवस्था के दम पर पूरी दुनिया में राजनीति करना शुरू कर दिया, पूरे दुनिया की व्यवस्थाओं को बदलना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया पे दमखम दिखाना शुरू कर दिया। और जो आर्थिक पहलू था उसके आधार पर इन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन को भी आगे बढ़ा दिया। अगर स्टिक अर्थों में, सीधे अर्थों में कहा जाए कि शक्तिशाली का आर्थिक प्रभाव किस प्रकार से आया, तो इन्होंने नव उपनिवेशवाद की अवधारणा को इसके बाद अपनाना शुरू कर दिया, उन्हीं देशों की सहायता की जो इनके समर्थन में थे, अदरवाइज नहीं की। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, ट्रूमैन योजना है, मार्शल योजना है, बहुत सारी योजना है। ट्रूमैन योजना थी पश्चिमी यूरोप के जो अमेरिका के सहयोगी देश थे, ट्रूमैन पॉलिसी, ट्रूमैन योजना हमने पढ़ा। अमेरिका और साम्यवादी यूरोप, पूर्वी जो यूरोप था वो साम्यवाद के अधीन था और पश्चिमी यूरोप अमेरिका के अधीन था। अमेरिका के ऐसे पिछड़े सहयोगी जो बहुत डेवलप नहीं है, उनको अमेरिका ने डेवलप करने के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई, ट्रूमैन पॉलिसी अपनाई थी, जिससे वे उनके साथ रहे, उनको विकास किया जा सके और सब साथ मिलकर आगे बढ़ सके। तो ये क्या था, शक्तिशाली पूंजीवादियों का क्या था प्रभाव था आर्थिक वैश्वीकरण में। कुल मिला के ये कहा जाए कि किसी को पैसे दे दो और उसको अपना गुलाम बना लो, उसको अपनी सारी पॉलिसी काम में ले लो, या यूं कहें अपने विचारधारा में उसका समर्थन प्राप्त हो जाएगा। यही अंतरराष्ट्रीय धरातल पर भी हुआ। इसमें वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में देखें तो पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं को लाभ हुआ। ये लाभ कैसे हुआ, पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं के पास ऑप्शन था। जैसे हम भारत की एग्जाम्पल की बात करें तो भारत एक ऐसा जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र रह गया, इसमें सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था जो कहा अभी वर्तमान में किससे है, रूस से संबंधित है, और अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था जो वर्तमान में किससे संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है। इन दोनों को बैलेंस की स्थिति में लेकर चले, यानी कि कभी भी साम्यवाद ये नहीं आइडिया लगा पाया कि भारत मुझे छोड़कर जा भी सकता है क्या, इसीलिए साम्यवादी लगातार भारत को अपने साथ बनाने का प्रयास करते रहे। पूंजीवाद अमेरिका भी यही सोचता रहा कि किसी भी हालत में अमेरिका को भारत का समर्थन हर हाल में चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएं थी इनको ज्यादा लाभ मिला। किसका लाभ मिला, महाशक्तियों का ज्यादा लाभ मिला, वैश्वीकरण का भी ज्यादा लाभ मिला। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम और देखते हैं, जैसे महाशक्तिशाली देश बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत पैसा निवेश करते हैं और इसमें अंतरिक्ष में जाते हैं वो, और ये हजारों करोड़ डॉलर का मामला होता है। पिछड़ा देश क्या करेगा, केवल और केवल क्या देगा, कुछ पैसा देगा यानी कि किराया देगा और अपना सैटेलाइट, अपना उपग्रह इन महाशक्तियों के साथ अंतरिक्ष में भेज देगा। तो जो रिसर्च पर पैसा लगने वाला था, जो लॉन्चिंग पर पैसा लगने वाला था, उसका केवल कुछ हिस्सा ही इसको देना पड़ा और बहुत ज्यादा मात्रा में से लाभ हो गया। दूसरा इसका उदाहरण देखते हैं उद्योगों में। हमने देखा कि बड़े जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के, अंतरराष्ट्रीय धरातल पर जो बड़े देश हैं, महाशक्तिशाली देश हैं, उनके पास
बड़ी मशीनरी है, बड़ी टेक्नोलॉजी है, नए नए हथियार ईजाद करते रहते हैं, नई नई सूचनाएं एकत्रित करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, उससे उनके उद्योगों में बढ़िया टेक्नोलॉजी आती है। आज रोबोटिक सिस्टम चल रहा है, कंप्यूटरीकरण चल रहा है, ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है। आज हम देखें तो सेल फोन, मोबाइल फोन ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, सेंसर आ रहे हैं बहुत अच्छे। तो ये सारे डेवलपमेंट कहाँ आ रहे हैं? विकसित राष्ट्रों में आ रहे हैं। पिछड़े राष्ट्र क्या करेंगे? केवल उनको कुछ पैसा देंगे और ये टेक्नोलॉजी के साथ या उनके जो प्रोडक्शन है वो उत्पादन के रूप में जो बनाएंगे बेचने के लिए मार्केट में, उसको क्या कर लेंगे? परचेज कर लेंगे। तो पिछड़े देशों को बहुत सारी क्वालिटी की चीजें मिल जाएंगी। जैसे आज हम बात करें तो भारत के मोबाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, लावा और जियो, लावा है, बीपीएल है, वीडियोकॉन है, शायद आपने इनके नाम भी नहीं सुने होंगे, और माइक्रोमैक्स है, ये सब इंडियन ब्रांड है। और आज जो इंडिया में पॉपुलर है वो है सैमसंग है, रियलमी है, वीवो, ओप्पो, ये सारे ब्रांडेड सब चीजें कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है। तो ऐसे ही विकसित देशों के जो ब्रांड हैं उन पर रिसर्च पर पैसा खर्च किया है विकसित देशों ने, टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्च किया है, खोज पर पैसा खर्च किया है, और उससे जो आउटपुट मिला उसको उन्होंने केस किया है किन देशों में? पिछड़े देशों में। पिछड़े देशों को लाभ ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये सीधे छोटी सी रकम देकर या उपभोक्ता बहुत आसानी से बहुत सारी वैरायटीज ले लेता है। इंडियन मार्केट में हम मोबाइल के फैक्ट्री, मोबाइल की शॉप में जाएं तो आपको जो वेरिएंट 1990 में तो था ही नहीं, 2000 के आसपास, 2005 के आसपास जिन मोबाइल की वैल्यू देखे हम लोग बहुत कॉस्टली होता था, आज वो इतना सिंपल आ गया है और अपडेट वर्जन इतने हो गए कि 2 साल से ज्यादा एक मोबाइल हम चला ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये किन अर्थव्यवस्थाओं को फायदा पहुंचा है? छोटी अर्थव्यवस्थाओं को फायदा पहुंचा है। इसमें तीसरी चीज और है, तीसरी चीज क्या है कि अंतरराष्ट्रीय धरातल पर बहुत सारा कंपटीशन चलता है, चाहे रशिया और अमेरिका के बीच हो, चाहे वो चाइना और अमेरिका के बीच में हो, चाहे वो इजराइल और खाड़ी देशों के मध्य हो। ऐसे में जो छोटे देश हैं, बिल्कुल छोटे देश हैं, इनको बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि जो बड़े देश हैं वे अपने छोटे सहयोगियों की संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि जब गांव में कोई गैंग वार होती थी, झगड़ा होता था, तो कुछ समूह बन जाते, कुछ इसके साइड हो जाते थे, कुछ इसके साइड हो जाते थे। ऐसा ही अंतरराष्ट्रीय धरातल पर आर्थिक स्तर पर हो रहा है। तो जो छोटे देश हैं उनको बेपनाह आर्थिक सहायता मिलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में आर्थिक सहायता मिलती है इन बड़े देशों के द्वारा। इसके बाद देखें ब्राजील, भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को लाभ, इनको लाभ क्या हुआ कि आज सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वस्तु का आयात अगर हमारे यहां हो रहा है तो वो हो रहा है चाइना से। इसका कारण क्या है? चाइना का जो प्रोडक्शन जो वैल्यू है, कॉस्टिंग वैल्यू है, वो कम आता है, वहां सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं और वहां की जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे ज्यादा एडवांस है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे अच्छी चीजें बनाते हैं, उनका जो उत्पादन का आधार है वो बेसिक आधार है, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, वो डॉल से लेकर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम लोग स्थाई चीजें बनाते हैं। जैसे चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। उनकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो बहुत कम इसलिए आ रही है क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन है, वस्तु है, या यूं कहें जो टेक्नोलॉजी है, बहुत निम्न श्रेणी की है और उस पर आम स्टूडेंट उसमें लगा दिया जाता है। छोटे से छोटा व्यक्ति भी कार्य करता है, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कार्य करता है। तो जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में है और उसको कार्य में अगर लगा दिया जाए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों में, तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसे लागत क्या हो जाती है? कम। कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाइना का ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि वो एशिया में एक प्रकार से दादागिरी का सिस्टम में आ जाता है, क्योंकि यहाँ वस्तु बहुत ज्यादा बनती है और कम लागत में बनती है, सस्ते श्रम में बनती है। चाइना का एक उदाहरण देखें, हमारे यहाँ काम बहुत हार्डनेस से नहीं होता, चाइना में कंपलसरी आपको 13 घंटे काम करना, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा।
इसीलिए वहां की जो पोस्टिंग होती है बहुत कम आती है। हमारे सरकारी कर्मचारी सिर्फ वेतन लेने के लिए जाते हैं। सिर्फ 10% कर्मचारी ऐसे हैं जो मेहनत और लगन से काम करते हैं, बाकी 90% कर्मचारी अपनी सीमा अपनी कैपेसिटी से कम काम करते हैं। ऐसा नहीं काम नहीं करते, लेकिन जो कार्य उन्हें करना चाहिए वो काम नहीं करते, इसीलिए देश में कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो ब्राजील भारत चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंच रहा है क्योंकि यहाँ से महाशक्तियों से आयात निर्यात बढ़ा है। इनकी जो लागत, इनको जो सामान चाहिए, इनको जो आज वर्तमान में खपत चाहिए, जो खपत हो रही है वो कहीं ना कहीं ज्यादा मात्रा में हो, और ये अगर प्रोडक्शन करें तो लागत ज्यादा आएगी। उसी लागत की पूर्ति कम मात्रा में कम पैसे में हो रही है महाशक्तियों के जरिए। इसके बाद देखें आर्थिक प्रवाह में तेजी आई है। वैश्वीकरण के कारण हम देखते हैं कि पूरी दुनिया एक गांव की तरह हो गई है। आर्थिक प्रवाह जो पहले धीमा था बहुत तेज हो गया। आर्थिक प्रवाह की बात करें तो आर्थिक प्रवाह बहुत तेजी से हो रहा है। आर्थिक प्रवाह इसलिए हुआ क्योंकि प्रत्येक देश ने अपनी सीमाओं को खोल दिया है। प्रत्येक देश निर्यात और आयात पर विश्वास करने लग गया। पहले एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, आज वर्तमान विश्व ऐसा हो गया है कि किसी भी देश के बिना किसी का कार्य चलना संभव नहीं हो सकता। प्रत्येक देश को ये चाहिए कि वो कहीं ना कहीं से अपना आवश्यकता की वस्तु ले ले और दूसरे देश को आवश्यकता की वस्तुएं दे दे। तो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से तीव्र गति से व्यापार बढ़ा है। उसका दूसरा कारण है संचार। आज जो इंटरनेट क्रांति आई है इससे ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई है, पूरी दुनिया एक दूसरे पर आश्रित हो गई है। तीसरा कारण है साधन। हम समुद्री व्यापार पहले इतनी मात्रा में नहीं आता था, आज जो लागत है व्यापार की वो बहुत कम है। डिलीवरी की जो लागत लग रही है, वस्तु को जो पहुंचाने की लागत लग रही है वो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं हम एडजस्टमेंट करके चल रहे हैं। छोटे व विकासशील में निवेश को आकर्षित किया है। छोटे देशों में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा कार्य कर सकें, इसीलिए इन्होंने केवल और केवल आयात पर आश्रित हैं। बांग्लादेश है, भारत है, भूटान है, अभी जैसे मालदीव को भारत ने एक उपग्रह दिया है। तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई, उससे उसकी टेक्नोलॉजी में विकास होगा, बहुत ज्यादा सैटेलाइट सिस्टम आगे वो डेवलप कर सकता है, वो सीख सकता है किस प्रकार से सैटेलाइट काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे और विकासशील देश आज की आर्थिक वैश्वीकरण में दुनिया के निवेश को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि विकासशील देश कहीं ना कहीं बड़े बाजार के रूप में बनकर उभरे हैं और विकसित देशों का एकमात्र उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, और लाभ से भी और ज्यादा लाभ कमाना। इसके लिए सबसे उपयोगी कौन है, छोटे और विकासशील देश उपयोगी हैं।